बड़ा हादसा होने से टला। जी हां, उधमपुर के आदर्श कॉलोनी में एक घर की छत पर पड़ी टेंट में लगी आग और आग के विजुअल आप इस समय दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से साफ देख सकते हैं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। आज गणतंत्र दिवस भी है और इसी गणतंत्र दिवस की संध्या पर ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये उधमपुर के आदर्श कॉलोनी के हैं। जी हां, यहां पे एक मकान है और इसके मकान की छत के ऊपर टेंट का सामान रखा हुआ था और वहां पर उस टेंट के सामान को अचानक आग लग गई। आग किस तरह लगी इस बात का अभी तक पूरा पता नहीं चला, लेकिन दमकल विभाग आप साफ देख सकते हैं इन विजुअल में कि किस तरह से पानी की बौछार जो है वो कर रही है। और ये देखिए सामान जो है किस तरह से पूरा चलकर राख हो चुका है और इससे निकाला जा रहा है बाहर और आग को बुझाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस समय तस्वीरें आप साफ दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं कि ये जो क्षेत्र है ये उधमपुर के आदर्श कॉलोनी का है और यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक मकान है उसकी छत के ऊपर कहीं टेंट का सामान पड़ा होगा और उसी में टेंट के सामान को आग लगी। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि टेंट का सामान जो होता है वो कपड़े का होता है और कपड़ा जो है बहुत ही जल्दी आग को पकड़ लेता है और ऐसा ही कुछ हमें इन तस्वीरों में देखने को भी मिल रहा है। और जिस तरह से ये जो आग लगी है पूरी तरह से जो सामान है वो पूरी तरह से हमें जलकर राख हुआ दिख रहा है। देखिए आग अभी भी, ये कुछ अंदर वाली तस्वीरें हैं, कुछ शायद ऊपर से कुछ छोटा सा कोई कमरा बनाया होगा छत के ऊपर जिसमें ये सामान था और ये देखिए पूरी तरह से आग लगी हुई है और पानी की बौछार भी लगातार जारी है लेकिन आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन दमकल विभाग जो है वो अपना कार्य बहुत ही बखूबी तरीके से निभा रही है और आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। फिलहाल किसी और भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो टेंट का सामान था वो लगभग जिस तरह से विजुअल हमने देखे कि पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और आप अभी देख सकते हैं कि किस तरह से आग को फिलहाल लगभग बुझा ही लिया है लेकिन सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।